नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी को, नॉर्मल डिलीवरी को 20,000। सुन लो नवचिया वासी, नॉर्मल डिलीवरी को 20,000। वो भी सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और गार्ड, गाड़ी वाला सब 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 के सब मिला हुआ है। सब सरकारी हॉस्पिटल वाला इसको कहो देंगे 20,000 रुपया। ये गरीब आदमी है, घुस नर्स मांगता है, घुस और एम्बुलेंस वाला। मैं क्या तुमने चुप रह ले? 20,000 का घुस सरकारी हॉस्पिटल में, 20,000 का रोड जाम, अगर रोड चल 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 गोपाल मंडल को बुलाया जा, नीतीश कुमार को फोन किया जा। अच्छा जब हॉस्पिटल में भर्ती किया ना, इसके पास पैसा नहीं था, ये हमको कॉल किया, हम मुरली से चल के आए, देखे इसका पत्नी रोड पे था, पूरा एकदम बवा रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे अभी अभी पेशेंट का स्थिति क्या है? पेशेंट अंदर लिए, पेशेंट के पानी चल रहा है, पेशेंट पूरा स्थिति उसका खराब है। अभी क्या देखा? अभी अंदर किया, क्या देखा? हम देखे उसको कि यहाँ पे पूरा एकदम रोड पे पेशेंट है, रोड पे है, ये चिल्ला रहा, कोई सुन नहीं रहा है। तो हम यहाँ डायरेक्ट आए, गार्ड हमको बाहर करने लगा, बोला तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। हम बोले बाहर कहा जाएंगे, डॉक्टर साहब से हम मिलेंगे। बोला कि नहीं मिलने देंगे, तुम बाहर जाओ। उसके बाद वहाँ से NM आया, बोला तुमको कौन बोला बोलने के लिए? बोले हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे। बस तीन गार्ड आया, तीनों गार्ड मिल के हम दोनों तीन गोला धक्का मार के बाहर कर दिया। 20,000 घूस सरकारी हॉस्पिटल में, 20,000 घूस पूरा गांव का बुलाइए, 20,000 घूस नर्स और डॉक्टर सब मिला हुआ है, सब मिलके 20,000 घूस दिए पेशेंट बराबरी परसेंट का, 20,000 घूस यहाँ से जाइए। पेशेंट यहाँ आई थी करीब 11:50 में, एडमिट हुई, उसमें सिस्टर ने एग्जामिनेशन किया, उसका जो है एक मिनट तुम नहीं बोला, लाइकर लीक हो गया था, पानी निकल चुका था और फीटल डिस्ट्रेस में थी बच्चा, इसलिए उचित लगा सिस्टर को कि इसको JLMCS इसको रेफर कर देना होगा। लेकिन वो पेशेंट जो है जाने के लिए तैयार नहीं हुई और अपनी मर्जी से वो बाहर चली गई, बाहर में 20,000 रुपया मांगा गया, इसी संबंध में वो बोल रही है कि 20,000 मांगा गया। तो बाहर के बारे में यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन नहीं कह सकता है। अस्पताल में वो आके हंगामा कर रहा है, अस्पताल के ऊपर ये आरोप लगा रहा है, गलत आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो ये तो सरासर गलत है, हॉस्पिटल में पैसा नहीं लिया जाता है, न मांगा गया है इस केस में किसी से। वो बोल रहा है कि जबरन वो रेफर करवाया जा रहा है यहाँ से वैसे, रेफर ऐसे केस में जब फीटल डिस्ट्रेस रहेगा, बच्चे की मौत की संभावना रहेगी, मदर के भी रिस्क रहेगा, तो इसमें रेफर करना उचित है। वो तो कुछ मानवीय आधार पर बोल रहा है, पैसा NM के द्वारा किया जाता है, जबरदस्ती रेफर करवाया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, NM से मैंने खुद पूछा, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं मांगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो भी गार्ड कर्मी थे, धक्का मुक्की दे करके बाहर निकाला जा रहा था उनको। गार्ड क्यों ऐसा करेंगे? गार्ड ऐसा नहीं करते, गार्ड सुरक्षा के लिए हैं।